हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर होम चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज वेब डिजाइन का 10th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट में आपका खुद का सब डोमेन कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे न्यूज चैनल में देखे होंगे कि उनके जो जैसे कि aajtak.com है, उसके आगे भी news.com हो गया, उसके बाद entertainment.com हो गया, फिर playing.com हो गया। ये सब अलग अलग हैं जो आज तक के सब डोमेन हैं। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जो आपका मेन डोमेन रहता है उसको ही चार्जेस हमको पे करने पड़ते हैं, उसके लिए हमको होस्टिंग खरीदना पड़ता है, उसके लिए हमको डोमेन का एनुअल फीस देना पड़ता है। बाकी सब डोमेन्स के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने मेन वेबसाइट पे सब डोमेन बना के, अलग अलग तरह के वेबसाइट बना के आप उसकी फ़ायदा उठा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि सब डोमेन के एक बहुत ही यूजफुल इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर आपके पास मेन डोमेन पे एडसन अप्रूवल हो चुका है तो सब डोमेन में कोई भी अप्रूवल का जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली ऐड आने लगते उस सब डोमेन में। सब डोमेन एग्जैक्टली सेम टू सेम आपके मेन वेबसाइट के जैसे ही वर्क करता है। उसको भी आपके उसके भी सारे पोस्ट को आपको रैंक कराने पड़ते हैं, उसके सारे जो क्राइटेरियाज होते हैं सब कुछ आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, जैसे कि SSL सर्टिफिकेट हुआ, ये बाकी सब चीज़ें भी आपको पूरा करने। थोड़ी बात बता दो कि अगर आपने हॉस्टिंगर पे हॉस्ट करके रखा है तो आपको SSL सर्टिफिकेट जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्लाउड पर आप सर्वर मूव करना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको आप क्लाउड पर आप हॉस्टिंग CDN पे मूव करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली ही SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि आप किस तरह से सब डोमेन को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके फायदे उठा सकते हैं। देखिए, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सिंपली आप जाएंगे हॉस्टिंग में। हॉस्टिंग में जाने के बाद यहाँ पे मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद सिंपली सब डोमेन में जाएंगे। यहाँ पे सब डोमेन में देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट ऐड करके रखा है, webseries.software.com। तो मैं यहाँ पे सिंपली चले जाऊँगा वेबसाइट पे। यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर है। ऑटो इंस्टॉलर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मेरा मेन वेबसाइट, यहाँ पे मेरा सब डोमेन है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये देखिए मेरा वेब सीरीज का जो डोमेन है वो यहाँ पे एक्टिव है, वर्किंग है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे डिलीट ऑल पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पे बोल रहा है ये अंडू आप कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर में, अगर आपने क्लिक कर दिया अंडू तो ये डिलीट नहीं होगा, अदरवाइज ये डिलीट हो जाएगा। बेसिकली मैंने ये वेबसाइट जस्ट ट्रायल पर्पज से किया ताकि आपको मैं बता सकूँ कैसे वर्किंग है। डिलीट हो चुका है। अब सिंपली जाएंगे हॉस्टिंग पे, यहाँ पे मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद वापस से हम जाएंगे सब डोमेन। सब डोमेन में जाने के बाद यहाँ पे आपका जो भी डोमेन नेम है यहाँ पे आप डाल देना। देखिए मेरा एंटरटेनमेंट है, मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट डाल रहा हूँ। यहाँ पे इसका एक काम करेंगे, यहाँ पे कस्टम फोल्डर करेंगे। अब भी आपको मैं बता देता हूँ ये जो फोल्डर बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट बना देता हूँ एक टैब। यहाँ पे होस्टिंग में जाएंगे, वापस से मैनेज में जाएंगे, सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे फाइल मैनेजर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पब्लिक HTML है मेरा डोमेन में, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा वो फोल्डर बनने वाला है। तो चलो अभी मैं यहाँ पे वापस से सेम नाम फोल्डर का दे देता हूँ, आप दूसरा भी रख सकते हैं, बट ये मेरे को प्रिफरेबल लगता है ताकि इंटेंटमेंट आराम से मेरे को समझ में आ जाए कहाँ पे फोल्डर। देखिए मेरा ये क्रिएट हो रहा है। ये देखिए मेरा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर.com क्रिएट हो चुका है और इस डायरेक्टरी पे है। और ये जो वेब सीरीज का है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी फिलहाल को। ये मैंने आपके समझाने के लिए ये सब वेबसाइट बना रहा हूँ। ये देखिए हमारा ये सब डोमेन जो मैंने बनाया था वो डिलीट हो चुका है और मेरा entertainment.com ऑलरेडी है वहाँ पे। और वापस से हम जाएंगे यहाँ पे होस्टिंग में, यहाँ पे मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद वापस से सब डोमेन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए मेरा एक होस्ट सब डोमेन अवेलेबल है। यहाँ पे सीधा ऑटो इंस्टॉलर पे जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि अब वर्डप्रेस हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सब डोमेन में। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वर्डप्रेस को,
यहाँ पे आपके वेबसाइट का टाइटल डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी है वहाँ पे डाल सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूजर आईडी डाल दीजिए और उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे HTTPS सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो भी आपने बनाया है डोमेन हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और इंटर सब डायरेक्टरी में आप पूरा ब्लैंक ही छोड़िए, और यहाँ पे सिंपली करेंगे क्रिएट न्यू डेटाबेस, और यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर लेंगे, पासवर्ड थोड़ा हाई सिक्योर रहना चाहिए। यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही आप यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए, अपडेट ओनली टू माइनर वर्जन पे ही क्लिक रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए हमारा ये वर्डप्रेस इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो चुका है, ये हार्डली 8 मिनट लेगा, आपका वर्डप्रेस इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि आप SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देखिए अगर मैंने सपोज कि यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ SSL सर्टिफिकेट, हमारे मेरे पास प्रीमियम वेब होस्टिंग नहीं है, इसके लिए अगर जब भी मैं इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा तो ये एरर आएगा, अभी मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं इंस्टॉल पे करता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए management.com बैकग्राउंड क्लोज कर देता हूँ, इंस्टॉल यहाँ पे बता रहा है इंस्टॉल होने के लिए रेडी। देखिए यहाँ पे एक आ गया SSL इंस्टॉलेशन फेल्ड, क्योंकि मेरा प्रीमियम अगर वेब होस्टिंग का था तो यहाँ पे SSL ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता, बट मेरा प्रीमियम नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मैं फ्री वाला वर्जन यूज करूँ SSL सर्टिफिकेट के। तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे होस्टिंग पे, होस्टिंग पे जाने के बाद आप सिंपली मैनेज आपके जो डोमेन है उसमें मैनेज पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे मेन डोमेन और सब डोमेन दोनों दिख रहा है, तो मैं सब डोमेन को सिलेक्ट कर लूँगा। सब डोमेन सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एडिट वेबसाइट, यहाँ से आप जब भी ओपन करेंगे तो आपका वर्डप्रेस ओपन होगा, तो आप यहाँ से सिंपली एडिट वेबसाइट करेंगे। ये देखिए जो हमारा सब डोमेन का वेबसाइट है उसका डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ पे सिंपली आप जाएंगे प्लगइन सेक्शन में, यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, ऐड न्यू करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे SSL। ये देखिए मेरा रियल सिंपल SSL आ गया, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करूँगा, इंस्टॉल में एक्टिवेट करूँगा SSL। यहाँ पे सेटिंग में जाने के देखिए यहाँ पे वार्निंग बता रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट, इंस्टॉल करेंगे इसको, इंस्टॉल ये देखिए हमारा इंस्टॉलिंग चालू हो गया है। ठीक है हमारा इंस्टॉलिंग चालू हो चुका है, यहाँ पे सेव कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे एग्री करेंगे, यहाँ पे एग्री करेंगे सब, और वापस से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, वापस से हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 सर्टिफिकेट दिया हुआ है, CRT कॉपी कर लेंगे, कॉपी हो चुका है, वापस से यहाँ पे जाएंगे आपको होस्टिंग में जाएंगे, होस्टिंग में मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सर्च करना है SSL। ये देखिए हमारा आ गया SSL, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा एक SSL ऑलरेडी एक्टिव है, दूसरा हमारा जो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और इसको हमको SSL एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंस्टॉल, जो हमारा होस्टिंगर है उसको इंस्टॉल करेगा, बट हमने कोई परचेस नहीं कर किया है तो ये नहीं होगा, तो इसको ये हमको करना है इंपोर्ट SSL। इंपोर्ट SSL में करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट CRT जो हमने कॉपी किया था इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट करेंगे। वापस से हमको जाना है प्राइवेट की और की, इसको कॉपी करेंगे, वापस से अपने होस्टिंगर में आएंगे,
और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद वापस से चले जाना है यहाँ पे सर्टिफिकेट लास्ट वाला अथॉरिटी बंडल, इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बस इतना ही करना था फ्रेंड्स। अभी सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल SSL, ये देखिए SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल, ये जो हमारा है ना सबडोमेन, इसमें हमारा सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ, एक और देखिए यहाँ पे एक्टिव करके दिखा रहा है 0 SSL, एक ये हमारा लाइफ टाइम SSL है इसके लिए, मेरे मेन डोमेन के लिए, और दूसरा जो है वो कस्टम SSL जो मैंने अभी डाला, उसका देखिए वैलिडिटी है, इसका वैलिडिटी नहीं है, इसका वैलिडिटी देखिए, इसका वैलिडिटी ये हमेशा आप चेंज करते रहना, इसका लाइफ टाइम नहीं रहता, ठीक है। अभी मैं आपको अपने वेबसाइट पर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपली चले जाएंगे हॉस्टिंग पे, मैनेज डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना वेबसाइट, ये देखिए हमारा वेबसाइट ओपन हो चुका है, ठीक है, हमारा ये एक्टिव हो चुका है। गाइस कैसे लगे वीडियो? अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगे तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट करें, अगर कोई भी कुछ भी डाउट है तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। टेलीग्राम पे भी मैं हूँ, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।